एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। सोनल बहू, अल्लाह सोनल बहू। जी, अब तुम यहाँ हो, आओ बेटी आओ। अरे, लेकिन आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आ गए? आपकी शादी हो रही है ना? बैठो बैठो बेटी, आपका ही घर है। मुझे माजी ने भेजा है। माजी ने? हाँ, वो क्या है, जहाँ शादी होती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। क्यों? मैं आशीर्वाद बेचता हूँ बेटा। मतलब? मतलब मेरा भगवान के साथ सीधा कांटेक्ट है। ऐसी कहावत है, पत्थर की लकीर। मैं आशीर्वाद देता हूँ, उसको सच होना ही पड़ता है। अच्छा, फिर तो आप रुकिए, मैं गंगा और गौरी को बुलाती हूँ, उनकी भी शादी हो रही है। गौरी, गौरी, गौरी यही है? हाँ। तो ठीक है, मैं उसको, उन दोनों को अकेले में मिल लूंगा। क्यों? वो क्या है ना कि उनके मन में कोई ऐसा आशीर्वाद हो जो आपको बताना न चाहती हो, इसीलिए। आप अपने आशीर्वाद के बारे में बताइए, कौन सा वाला चाहिए आपको? अखंड सौभाग्यवती, अष्टपुत्र भव, दीर्घायु। एक सीक्रेट बात बताऊं बेटा, कोई कोई औरत ऐसी होती है जो शादी से पहले ही डिवोर्स के आशीर्वाद भी मांगती है। तुम्हें चाहिए? जी नहीं, मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। अच्छा, और कौन कौन से आशीर्वाद है आपके पास? मेरा तो होलसेल का धंधा है ना, बहुत सारी डिजाइन है मेरे पास। लेटेस्ट है ना, मिलेनियम बेबी का आशीर्वाद बहुत बिकता है, दे दूं? एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैं भी जी। मुझे लगता है मैं आपको बरसों से जानता हूँ। मुझे? मेरी आवाज ठीक है ना? जी। जानी पहचानी है ना? नहीं तो? और मेरी शक्ल कहीं देखी हुई ऐसा नहीं लगता आपको? जी नहीं। अच्छा है। क्या? जरा पानी मिलेगा बेटा? हाँ हाँ, अभी लाई। और आते हुए सोच के आना कि तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए। जी। गौरी यहीं पर है। मैंने आपको पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया। आप मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम नानावटी जी है ना? जी हाँ। अच्छा है, अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है? मतलब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मशहूर हैं, अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। भाई, मेरा को जिंदगी का फलसफा रहा है कि हम अच्छे तो जग अच्छा। अच्छा फलसफा है। अच्छा है ना, चलो चलता। अरे जरा सुनिए, अरे सुनिए, अरे अच्छा चाचा जी, जरा सुनिए। जी, आपने अपना परिचय मुझे नहीं दिया। आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और अंदर कैसे चले आए? मैं सीढ़ियों से आया अंदर। वो क्या है, मैं आशीर्वाद बेचता हूँ। क्या बेचते हैं? आशीर्वाद। वो क्या है ना कि जहाँ पर शादी होती है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ, आशीर्वाद बेचता हूँ। मेरा आशीर्वाद कभी भी फेल नहीं जाता। मुझे पता चला यहाँ एक नहीं तीन तीन शादियाँ हो रही है, इसीलिए चला आया। सोनल को मिलके आ रहा हूँ, अभी गौरी को मिलने जा रहा हूँ। लेकिन आपका नाम? नाम? आपने मुझे अच्छा नाम दिया। अच्छा है चाचा, वो तो मेरे नाम से भी बेहतर नाम है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है चाचा, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। लेकिन इसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है।
पहचान तो नहीं लिया मामा जी ने? गंगा गंगा आंखें खोलो। जमुना जमुना, मैं बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहना चाहती हूँ। मेरी आंखों को बंद ही रहने दो। गंगा, हाँ? तू मुझसे इतना प्यार करती है? हाँ जमुना, मैं सोते जागते बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। हाँ, वो तो अपन देख ही रहे ले। जमुना, अब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो फिर तू किधर रहेगी? तुम्हारे दिल में। जमुना कहाँ गया? अरे जमुना गया भाड़ में, वहाँ पे वो सपने देखते रहता है और यहाँ पे तू, और सारा काम मुझे करना पड़ता है। तुम लोग अपना ये नाटक बंद करो। राम जी, हाँ? जब तू प्यार करेगी ना, तब तेरा सारा काम मैं कर दूंगी। अभी तो करना। हट, अपन येड़ा नहीं है कैसे प्यार व्यार करेगा। एक बार दिल टूट चुका अपना भी। सच? तूने भी किसी से प्यार किया था? हाँ। कब? तो अपन चौथी में था, अपने स्कूल का प्रिंसिपल था वो, बहुत चिकना था। अपन ने तो उसको बोल के रखेला था कि तू रुक, अपन बड़ी होगी तब तेरे साथ ही शादी बनाएगी। फिर क्या, सैड एंडिंग, अपन को स्कूल से निकाल दिया। ये उसको अपन अच्छा नहीं लगा होगा ना। लेकिन तब से अपन ने तय कर लिया कि कभी किसी को दिल नहीं देने का। अरे पगली, तूने जो किया उसे प्यार थोड़ी कहते हैं, और फिर ये हर बार थोड़ी ना होता है। आप तो चुप बैठ। अरे काम कर, गेले फटका और जर काम पे लग जा, मुझे सिखाने चली है। मेरी बात पर विश्वास नहीं रखते, मैं एक और बात बताता हूँ आप लोगों को।
देखो राजू, राजू का घर राजकोट में है ना, फिर राजू के पिताजी जुआरी थे, दूसरी शादी की थी बराबर। और बताता हूँ, राजू का घर बहुत बड़ा है, ऐसे शुरुआत में हाल है, यहाँ पर बेडरूम है और उस तरफ आंगन में झूला है, रसोई में। अभी आप मिले थे तो आपने मुझे कहा था कि आप आशीर्वाद देने वाले चाचा हैं, आपका नाम है अच्छा है चाचा। हाँ मगर मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, गौरी बिटिया को आशीर्वाद देने तो आया था मैं। और अच्छा है चाचा नाम तो आप ही ने दिया मुझे, दरअसल मैं चाचा नहीं हूँ, मैं तो फूफा हूँ और राजू का फूफा हूँ। तभी मैं सोचूं कि आपका चेहरा और राजू का चेहरा काफी मिलता जुलता है, है ना? फिर आप ही बताइए अब और क्या सुकून चाहिए आप लोगों को। मगर ये कैसे हो सकता है, राजू की बुआ का और राजू का चेहरा मिलना चाहिए मगर आपका चेहरा। वो क्या है ना बिटिया कि पूरे गांव में यही चर्चा थी कि जो करेगा वो भरेगा, तो मेरा साला यानी के राजू का बाप मुझसे नफरत करता था ना, इसीलिए सजा के तौर पर भगवान ने उसके बेटे को यानी के राजू को भी मेरी ही शक्ल दे दी। अच्छा चलो अच्छा हुआ, इतने बरसों के बाद हम मिले तो सही। हाँ अरे बेटा राजू के फूफा के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, चलो जल्दी करो। एक दिल की बात बताऊं आपसे? हाँ बताइए बताइए। क्या है कि मेरे मन का बोझ उतर गया। वो कैसे? बताता हूँ पहले ये बताइए कि बुआ जी कहाँ है। बुआ जी घर पे है, हमारे घर पे है, अब मेरा इंतजार कर रही होगी, चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं ठहरो, बात तो सुनो। क्या है कि आपको और बुआ जी को राजू की शादी में आना होगा। हाँ जरूर आ जाएंगे, शादी में तो हजारों लोग आएंगे, हम भी आ जाएंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा मगर हम आएंगे जरूर। सिर्फ आना ही नहीं, शादी के पहले मंडप मुहूर्त में आपको बैठना होगा और वो भी बुआ जी के साथ। अरे आप जैसे आशीर्वाद देने वाले मिल जाएं तो राजू की तो किस्मत ही बदल जाएगी ना। नहीं नहीं मगर आप लोगों के होते हुए हम लोग। हाँ आप, और मंडप मुहूर्त में अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर शादी नहीं होगी, समझे राजू के फूफा जी। चलो मैं चलता हूँ बुआ इंतजार। अरे चाय नाश्ता आ रहा है, बैठो तो सही। चाय तो कभी पीता ही नहीं। अच्छा मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं। सुने भाभी। ओ अंकल आप कहाँ चले गए थे, मैंने तय कर लिया कि मुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए। भाभी मजाक छोड़िए, मामा जी रास्ते में मिल गए। आपके मामा जी कहाँ से बीच में आ टपके अंकल? क्या अंकल, अरे मैं रमणीकलाल नहीं हूँ, राजू भाभी। अच्छा तो मैं माधुरी दीक्षित हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा मैं राजू? अरे आवाज तो सुनिए मेरी, ये देखो ये नकली है, ये मूंछ नकली है, ये मसा नकली है, सब कुछ नकली, ये विग नकली है, देखो। राजू तुम? हाँ? तो तुमने मेरे साथ ये नाटक क्यों किया? नहीं भाभी बुरा मत मानना, दरअसल मैं देखना चाहता था कि आप मुझे इस भेष में पहचानती हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि यही भेष बदल कर मैं गौरी से मिलने जाने वाला था, मगर देखो ना मामा जी रास्ते में मिल गए। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने अपने आप क्रिएट की है। क्यों क्या हुआ? मैंने मामा जी से ये कहा है कि मैं राजू का फूफा हूँ और बुआ घर पे है। क्या? तो क्या? मामा जी ने कहा तो ठीक है, आप और बुआ राजू की शादी के रस्म में बैठना। क्या? हाँ लेकिन तुम बुआ के साथ शादी में कैसे बैठ सकते हो? यही तो प्रॉब्लम है, मैं शादी में राजू बनकर बैठूं या फूफा बनकर बैठूं, और बुआ उसको कहां से लाऊं जो है ही नहीं। और जाओ गौरी को मिले चोरी छुपे। सब गौरी की वजह से हुआ है, सीधे सीधे मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाती तो क्या जाता उसका। अच्छा प्रॉब्लम तुम खड़े करो और नाम गौरी कर लो। क्या करूं भाभी प्लीज बताइए ना क्या करूं मैं। एक ही सॉल्यूशन है, सुसाइड। अरे नहीं बाबा। तो तुम जाके बाबूजी को सब सच बता दो। नहीं नहीं नहीं, मामा जी से बहुत डर लगता है, उनको पता चला कि उनके सामने मैंने झूठ बोला है तो। राजू और कोई चारा नहीं है। हाँ ओके ठीक है, सीधा सीधा सब कुछ बता देता हूँ। बता दो। ओके जा रहा हूँ मैं। बाबूजी वो आ
सनत, तुम्हें भगवान ने जरा सी भी अकल नहीं दी जी। अरे वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन बाबूजी वो सचमुच बीमार है, उसे फोन करो जी, उसके घर फोन करो अभी इसी वक्त। वो आवाज बदल कर तुम्हारे साथ बात करता रहता है, बीमारी का बहाना बनाता है और फिर घर पर छुट्टियां मनाता है। बाबूजी फोन। हेलो घनश्याम, मेरे साथ आवाज बदल कर बात करने की कोशिश मत करो समझे। जो कोई भी आदमी मेरे से झूठ बोलता है मैं उसे सख्त नफरत करता हूँ। मर गया तो मैं क्या करूँ? कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठे रहना और दवाइयां खाते रहना। सनत कैसे चलेगा? अगर इतने भोले बनते रहोगे तो बिजनेस कैसे कर पाओगे? कोई ना कोई रोज तुम्हें ठगता रहेगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी में भी नहीं, जो कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा वो मेरी नजरों से गिर जाएगा, चाहे वो राजू ही क्यों ना हो। राजू के साथ आप सख्ती से बर्ताव नहीं कर सकते, लगी शर्त। अव्वल तो ऐसा करेगा नहीं, मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया तो मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा और अपने आप को भी, क्योंकि मेरे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से वो ऐसा करेगा। नहीं, लेकिन उस पर मुझे पूरा भरोसा। अरे फूफा जी आप? कुछ नहीं, बाद में। अरे अरे अरे, अभी तक गए नहीं आप? मैं गंगा को ढूंढ रहा था, गंगा को भी आशीर्वाद देने है ना। अच्छा गंगा को बुला लेता हूँ। गंगा? अरे दीजिए, मैं बाद में मिल लूंगा गंगा से। अरे पहचान कराता हूँ सनत, ये है, अच्छा है फूफा। अच्छा है? राजू के। नमस्ते। अच्छा है फूफा। मेरा नाम है अच्छा है फूफा, इन्होंने ही दिया है। अच्छा है, यानी आपको कभी देखा नहीं? मुझे भी आज ही पता चला। अरे देख क्या रहो, पाँव पड़ो। मैं छोटा हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता। मेरा मतलब है आप पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। अरे उम्र में तो आप बड़े हैं ना, आशीर्वाद तो दीजिए। ठीक है, खुश रहो, सुखी रहो, मैं जाऊँ? हाँ, लेकिन बुआजी को लेकर जल्दी आइएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। मैंने गाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं और बुआ 339 लिमिटेड बस पकड़ के आ जाएंगे। जरूर आना। 339 लिमिटेड बस पकड़ के आ जाएंगे, अब मजा आएगा। मुझे फंसाने निकला था हा? घर में आए हैं हम, सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। भर आँखों में सपने इस घर में आए हैं हम, सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए, कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। घर आंखों में सपने हाँ, इस घर में हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।